राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे EVS, जो कि KVS PRT जो पेपर हुआ था 26 फरवरी को, जो कि ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, जो कि 20 क्वेश्चन आते हैं EVS के और 60 क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागॉजी के। तो आपको डेली इस पे दो वीडियोस मिलते हैं, एक 20 नंबर की EVS की और 60 नंबर्स की आपके पेडागॉजी की। तो 80 नंबर्स की प्रिपरेशन आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से। और PVIQ जो आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में KVS PRT 2024-2025 में देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 161 क्वेश्चन से, जो कि EVS के 20 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को मिस मत छोड़िए। 8 से 10-12 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन में थे, तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। चलिए एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेड एनिमल्स इन अ लेबोरेटरी। जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं ये किससे प्रिपेयर करते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं ये लेबोरेटरी में डेड एनिमल्स से प्रिपेयर होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है एसर्शन। रीजन क्या कह रहा है, द सिचुएशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन नॉट बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी। मतलब प्रोडक्शन ऑफ कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। बताइए ये क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। कि जो प्रयोगशाला में जो मृत जीव होते हैं उनसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जाती है। कारण कह रहा है, मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न ही नहीं की जा सकती। बताइए ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ए सही है परंतु आर गलत है, या ए सही है आर सही है। बताइए जल्दी से। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है भाई, किसी भी हाल में आप लेबोरेटरी में क्या प्रिपेयर नहीं कर सकते कोल, पेट्रोलियम, डेड एनिमल से, यही कथन कह रहा है, ठीक है, कारण कह रहा है। चलिए आगे चलते हैं 162 पे, फिर देखिए सर समृद्धि के क्वेश्चन मिल गए। चूज द करेक्ट आंसर आप में से, एसर्शन कह रहा है क्लोथ्स मेड ऑफ पॉलिस्टर फाइबर शुड नॉट बी वॉर्न व्हाइल वर्किंग इन द किचन। जो पॉलिस्टर के कपड़े होते हैं, पॉलिस्टर फाइबर के कपड़े बने होते हैं, हमें किचन में ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है, किचन में अगर काम कर रहे हैं। रीजन कह रहा है, इट इज वेरी डेंजरस व्हेन क्लोथ्स मेड ऑफ पॉलिस्टर गेट फायर बिकॉज इट मेल्ट्स अंडर फायर एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। कहता है कि भैया जो पॉलिस्टर के कपड़े बने होते हैं ये आग से बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और पिघल के आपके बॉडी पे चिपक सकते हैं, ठीक। तो बताइए कथन कारण कौन सही है, ए आर सही है, आर एस सही, ए की सही व्याख्या कर रहा है, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ए आर सही है और ए आर गलत है। बताइए बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ए आर दोनों सही है। बिल्कुल भाई ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 163 पे, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, देखिए ट्यूबरक्लोसिस एक क्षय रोग है, ये किसके द्वारा होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या प्रोटोजोआ, बताइए 163 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जीवाणु से फैलता है भाई, बैक्टीरिया से फैलता है ट्यूबरक्लोसिस। चलिए आगे चलते हैं 164 पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी एज बाय देयर हेल्प। जीवाणु का उपयोग कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है क्योंकि उनकी मदद से क्या होता है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खेती में यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ सके, जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एंड फिक्सेशन हैपेंस, कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण होता है, हाइड्रोजन फिक्सेशन हैपेंस या ऑक्सीजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बताओ जल्दी से मेरे लाल। 164 का राइट आंसर बताओ, तो 164 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हैपेंस, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। चलिए 165 पे चलते हैं, देखिए फिर एसर्शन रीजनिंग, तीसरा क्वेश्चन, चार क्वेश्चन किया, तीन एसर्शन रीजनिंग के मिल गए हमें। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कभी कभी क्या होता है कि जो मैन्योर एड होते हैं मतलब मिट्टी को बिना पहले जुताई करने के, टिलिंग मतलब क्या होती है, जुताई, ठीक है। रीजन कह रहा है, एडिंग मैन्योर बिफोर टिलिंग हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर इन द सॉइल, मतलब जुताई के पहले हमें मैन्योर, मतलब जुताई के पहले क्या, जुताई के समय खाद डालने से खाद में मिट्टी भली भांति मिल जाती है, ठीक है। बताइए कौन सा सही है इसमें से, 165 का राइट आंसर बताइए, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है।
बिल्कुल ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं 166 पे। वही देखिए फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर, 6-7 की एनसीईआरटी ये क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं एसएसआर रीजनिंग वाले। टेक्नोलॉजी मींस ओनली बिग मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट, टेक्नोलॉजी का ये मतलब यही होता है कि जो बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वही है। इट इज ओनली रिलेटेड टू द मेथड ऑफ मेकिंग वर्क ए जी, यह एक तरीका है, एक मेथड है कार्य को आसान बनाने का। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? हिंदी में पढ़ते हैं, तकनीक का अर्थ है केवल बड़ी मशीनें और औजार, यह केवल काम को आसान करने की प्रक्रिया से जुड़ी है। बताइए 66 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, कथन वन और दोनों गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, खूब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनहेल्ड एयर इन ह्यूमन ओनली कंटेन ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं उसमें केवल ऑक्सीजन होता है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है? एक्सहेल एयर इन ह्यूमंस ओनली कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम हवा बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्लास 6 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, तो बताओ मेरे लाल 167 का। सेकंड हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आर फॉल्स। तो 167 ही है ना मेरे भैया ये? हाँ 167 है, तो 167 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स। ठीक है, चलिए 168 पे चलते हैं। वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर बिकॉज, जो गर्म हवा होती है ठंडी हवा से हल्की होती है, क्यों बताओ, रीजन बताओ। इट एक्सपांड्स, क्योंकि ये फैलता है। इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ये ज्यादा स्पेस को घेरती है। इट डेंसिटी इंक्रीजेस, इसकी डेंसिटी जो घनत्व होती है इसकी ज्यादा होती है। बताइए, बताओ मेरे लाल 168 का राइट आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ए और बी सही है। ठीक है, इट एक्सपांड्स, ये फैलता है। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, ये ज्यादा स्पेस को घेरता है। ठीक, 169 देखिए। फिर एसर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, लगातार आपको एसर्शन रीजनिंग के खूब क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ो ही मत, प्रैक्टिस करते रहो। एसर्शन ए, एसर्शन ए कह रहा है पोलर रीजंस आर वेरी कोल्ड, जो पोलर रीजंस होते हैं वे बहुत क्या होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। रीजन क्या कह रहा है? सन नेवर राइजेस इन द पोलर रीजंस, जो पोलर रीजंस में कभी भी सूर्य उगता नहीं है। बताओ, हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं होता। ध्रुवीय क्षेत्रों में कभी भी सूर्य उदय नहीं होता, बताओ 169 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, ये सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ये सही है परंतु ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। आर कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कभी उदय होता है, भाई ऐसा क्यों? चलिए 170 पे आ गए हम लोग। आई एम एन एक्वाटिक एनिमल हु पॉप्स आउट द स्टमक थ्रू माई माउथ टू कैच फूड, वॉट इज माई नेम, मैं एक जली जंतु हूं, ठीक है, जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूं, मेरा नाम क्या है बताओ। सी हॉर्स, ऑक्टोपस, स्टारफिश, जेलीफिश, समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस, तारा मछली, जेलीफिश, बताओ। ये क्या है? स्टारफिश है। स्टारफिश क्या है? एक एक्वेटिक एनिमल है, ये अपने स्टमक से क्या मतलब ये भोजन को पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता है। किसको? आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर, कथन में से सही उत्तर निकालना है। द एयर कमिंग आउट ऑफ अवर माउथ कैन बी कोल्ड, चलिए बताइए कि जो हमारे मुंह से निकली हुई हवा होती है बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म होगी। दूसरा कह रहा है द एयर कमिंग आउट ऑफ अवर माउथ विल ऑलवेज बी कोल्डर एज कंपेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड, द एयर मतलब हमारे मुंह से जो निकली हुई हवा होती है बाहर के जो तापमान होते हैं उसके हमेशा क्या होती है, हमेशा ज्यादा ठंडी होती है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारे मुंह से हवा निकलती है वो तापमान के मुकाबले मतलब हमारे जो मुंह से हवा निकली है वो बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसके मुकाबले हमेशा ज्यादा गर्म होती है। फोर्थ कह रहा है हमारे मुंह से निकली हुई हवा का तापमान बाहर के तापमान के बराबर होगी, बताइए जल्दी से बताइए।
वन से वटी का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। क्या पहला हो जाएगा? मतलब जो हमारे मुंह से बाहर हवा निकलती है उसके तापमान के मुकाबले जो जो हवा है वो ठंडी होगी बाहर की। ठीक है, आगे चलते हैं 172। फिर से एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। एसर्शन कह रहा है पीपल इन अर्जेंटीना एंड इंडिया अपीयर टू बी स्टैंडिंग अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू ईच अदर। दूसरा रीजन कह रहा है देयर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन अर्थ, इट इज रिलेटिव। मतलब जो भारत और अर्जेंटीना के लोग हैं सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। दूसरा कारण कह रहा है पृथ्वी पर ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, पृथ्वी पर ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। ठीक है, बताओ। बताइए जल्दी से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। मतलब भारत और अर्जेंटीना के जो लोग हैं सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं और पृथ्वी पर ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। बताओ। 172 का राइट आंसर बताइए, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला मतलब क्या ए और आर सही है और ए सही की एक्सप्लेनेशन करता है आर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 173। फॉलोइंग मसल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अप ऑफ ड्राइड ग्राउंड गॉड। निम्न में से कौन सी वाद्य यंत्र है जो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? ये मैंने बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से 173 का। क्या बीन, ढोल, खंजरी या तुम्बा? बीन, ढोल, खंजरी या तुम्बा, बताइए। इसका राइट आंसर आपका क्या है? इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्या खंजरी? ए सी और डी। ठीक है, ए सी और डी। बीन होता है, ढोल होता है, नहीं, ए मतलब बीन और सी मतलब खंजरी एंड डी मतलब तुम्बा। क्या मैं फिर से बता देता हूं? बीन, खंजरी और तुम्बा। ठीक है, आगे चलते हैं 174। The teeth of which animal keeps on growing throughout its life? Its teeth keeps on tearing due to biting and gnawing. बताइए, जो किस जानवर के जो दांत है हमेशा बढ़ते रहते हैं और काटने कुटरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, बताओ जल्दी से। कुत्ता है, सांप है, गिलहरी है या गाय है? इसमें क्या समझाने वाली बात है, बताओ। 174 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल, इसका राइट आंसर थर्ड हो जाए। गिलहरी जो है हमेशा उसके दांत बढ़ते रहते हैं और काटने और कुतरने से इसके कारण दांत घिसते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 175। सम स्टेटमेंट्स आर गिवन इन रिलेटेड टू मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग एनसीईआरटी के फोर्थ क्लास से है, इसमें से कौन सा सही है कथन बताइए। यह बिहार का एक प्रसिद्ध चित्रकला है। दूसरा कह रहा है यह चित्रकला बनाने में जो पीसे हुए चावल होते हैं और रंगों का प्रयोग होता है। सी कह रहा है यह चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित होती है। डी कह रहा है ओनली मेल्स प्रिपेयर दिस पेंटिंग। केवल मनुष्य जो अरे मतलब मेल पर्सन होता है वही इस पेंटिंग को प्रिपेयर करता है। बताइए इसमें से कौन सा सही है, बताइए जल्दी से। 175 का राइट आंसर बताइए, बताइए जल्दी से। बिल्कुल, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। क्या यह बिहार, ए और बी, यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है और चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको हो रहा होगा कि कई कॉल्स, इतने कॉल्स आ रहे हैं कि क्या ही बताऊं मैं आपको। चलिए खैर कोई नहीं, ये ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में दिया गया है, आपकी एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ में दी गई है। ब्रेल स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज्ड डॉट्स मेड ऑफ थिक पेपर। जो ब्रेल स्क्रिप्ट में जो रेज्ड डॉट्स होते हैं, डॉट डॉट बने होते हैं, ये थिक पेपर से बनाए जाते हैं। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है बिकॉज ऑफ रेज्ड डॉट्स ब्रेल स्क्रिप्ट कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम। मतलब उसको पढ़ा जा सकता है, अपने फिंगर्स को उस पर घुमा के पढ़ा जाता है या छूकर पढ़ा जाता है। बताइए, ब्रेल लिपि उभरे हुए कागज के बिंदु से बने होते हैं, उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि को छूकर पढ़ा जा सकता है, बताइए कौन सा कथन सही है इसमें से, बताइए 176 का। इसका राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। पहला मतलब कथन एक और दो दोनों सही है। बिल्कुल, ये कागज से बने होते हैं, उभरे हुए बिंदु होते हैं और उभरे होने के कारण ब्रेल लिपि को छूकर पढ़ा जा सकता है। चलिए 177 बताइए। My mother and I both love to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to nearby hotel and eat Ling Hu Fen. We are the residents of which place? मैं और मेरी माता को सांप खाना बहुत पसंद है,
और जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के किसी एक रेस्टोरेंट में लिंग हु फेन खाने चले जाते हैं। तो बताओ हम कहाँ के हैं? एनसीईआरटी के क्लास 5th की लाइन है मेरे बाल। बताओ 177 का राइट आंसर बताओ। बिल्कुल ये हांगकांग। लिंग हु फेन कहाँ? हांगकांग। ठीक है, सांप खाया जाता है भाई वहां। सोचो सांप आप खा जा रहे हैं और हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 178, व्हाट वाज द आर्टिस्ट विष्णु चिंचलाकर फेमस फॉर? जो एक आर्टिस्ट है विष्णु चिंचलाकर किसकी चीज के लिए फेमस है बताओ? सेल चित्रकारी के लिए, रॉक पेंटिंग के लिए, वैक्स पेंटिंग के लिए, मोम की चित्रकारी के लिए, मेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग वेस्ट पेपर। वेस्ट पेपर या रद्दी कागज का यूज करके सुंदर चित्र बनाते हैं। मेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीव, मतलब सूखे पत्तों के चित्र बनाते हैं। बताओ, एनसीईआरटी के हूबहू लाइन से क्लास 5th की छाप दी गई है। बिल्कुल 170 राइट का आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। मेकिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स यूजिंग ड्राई लीव, सूखे पत्तों की मदद से विष्णु चिंचलाकर साहब क्या बनाते हैं? सुंदर चित्र बनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुडुक इज द नेम ऑफ धैस। बताइए कुडुक कहाँ की भाषा है? लैंग्वेज है फ्लावर, डिश है गेम है, कुडुक क्या है बताइए? 179 बताइए, लैंग्वेज है फ्लावर है, डिश है या गेम है? इसका राइट आंसर आपको पहला हो जाएगा। क्या है? कुडुक एक भाषा है। ठीक है, क्या भाषा है? आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। राइट टू फॉरेस्ट एक 2007 गिवेंस राइट्स टू द ट्राइबल पीपल्स ओवर फॉरेस्ट, बट द कंडीशन इज दैट इट विल बी गिवन टू दोज पीपल। जो राइट टू फॉरेस्ट एक 2007 है ये ट्राइबल पीपल के मिलता है, लेकिन एक कंडीशन है कि ये कैसे लोगों को दिया जाता है? जो लोग कम से कम 20 साल जंगल में रहे हैं, जो लोग कम से कम 25 साल जंगल में रहे हैं, जो लोग कम से कम 15 साल जंगल में रहे हैं, या जो लोग कम से कम 30 साल जंगल में रहे हैं बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये जो ऐसे लोग जो कम से कम 25 साल जंगल में रहे हैं उनको ये जंगल दे दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।